सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। देखिए सेक्शन 68 बात करता है कि एक पर्सन है, कैसा पर्सन है, ल्यूनेटिक है, ये ल्यूनेटिक पर्सन है, इस पर्सन को कोई दूसरा पर्सन, कोई सही अच्छा पर्सन है, ल्यूनेटिक नहीं है, प्रॉपर पर्सन है, ये जो पर्सन है दूसरा है, इस ल्यूनेटिक पर्सन को सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन द सेंस कि ऐसे चीज़ों के लिए, नेसेसरीज के लिए सपोर्ट करता है जो उसके लाइफ के लिए एसेंशियल है। लाइफ के लिए क्या एसेंशियल हो सकता है, बहुत सारे चीज़ एसेंशियल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे मोस्ट एसेंशियल खाना है, फूड, कपड़े हैं, ठीक है, तो ये सारे एसेंशियल से दूसरा पर्सन इस ल्यूनेटिक पर्सन को सपोर्ट किया। तो ऐसे सिचुएशन में ल्यूनेटिक पर्सन का जो प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी से ये जो पर्सन है ये कंपनसेट होगा, ठीक है। ल्यूनेटिक पर्सन हो सकता है या ऐसा पर्सन जिसको ये पर्सन लीगली बाउंड है कि उसको सपोर्ट करना है, नेसेसरी सप्लाई करना है। एक इलस्ट्रेशन लेके आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ए है जो कि ल्यूनेटिक है, ए ल्यूनेटिक है, ए को एक पर्सन, ए को एक पर्सन जो है बी, बी कुछ नेसेसरी सप्लाई करता है जो ए के लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बाद ए के, ए का जो प्रॉपर्टी होगा, ए के प्रॉपर्टी से, ए के प्रॉपर्टी से बी को रीइंबर्स किया जाएगा, मतलब पेमेंट मिलेगा, मतलब जो भी चीज़ प्रोवाइड किया है। दूसरा इलस्ट्रेशन मान लीजिए ए ल्यूनेटिक है, उसकी वाइफ एंड बच्चे भी हैं जो कि मेंटेन नहीं कर सकते हैं खुद को, तो बी इसके वाइफ को, ल्यूनेटिक पर्सन के वाइफ एंड बच्चों को भी कुछ नेसेसरी सप्लाई करते हैं, तो ए के प्रॉपर्टी से बी को रीइंबर्स किया जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 68 कहता है। आइए सेक्शन 69 समझते हैं। सेक्शन 69 रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। देखिए सेक्शन 69 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है जहाँ पर एक पर्सन का प्रॉपर्टी है, उसको पेमेंट करना है, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा, कोई दूसरा पर्सन पेमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो दूसरा पर्सन है उसका इंटरेस्ट है उस पहले पर्सन के प्रॉपर्टी में। इलस्ट्रेशन लेके बताते हैं, समझ आ जाएगा। ए एक पर्सन है जो कि है जमींदार, ज़मींदार है, कहाँ पे है, मान लेते हैं ये बंगाल में है, बंगाल में, बंगाल में ये ज़मींदार है। इसने लीज पर अपनी ज़मीन बी को दे दिया है, बी बी को लीज पे दे दिया है, लेकिन ए का जो ज़मीन है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, जो लैंड रेवेन्यू होता है पे नहीं किया है, तो एज अ कंसिक्वेंस क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ज़मीन को सेल करने के लिए, लैंड को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट निकालता है, तो बी जो रहता है इसका जो टैक्स जितना भी ड्यू रहता है, अरियर्स ड्यू रहता है, सबको पे कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में बी का इंटरेस्ट है, अगर नहीं पे करेगा तो ज़मीन इसका बिक जाएगा, तो लीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में बी ने पे किया तो बी इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स फ्रॉम एज प्रॉपर्टी। बी जो है ये एंटाइटल होगा कि ए से वो रीइंबर्स्ड होगा, ठीक है। और ये जो रीइंबर्समेंट है ये ए के प्रॉपर्टी से किया जाएगा या ए खुद उसको पे करेगा वो मतलब नहीं है, वैसे कैसे भी किया सकता है, लेकिन बी जो है ये एंटाइटल्ड है कि ए से उसको पैसा मिलेगा, बी को पैसे मिलेगा जो भी पैसे इसने दिया है, ठीक है। ये सेक्शन 69 कहता है। आइए सेक्शन 70 देखते हैं। सेक्शन 70 obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act. Non-gratuitous act कहने का मतलब है कि ऐसा act जो कि free ना हो, मतलब हमने कुछ किया है लेकिन ऐसा नहीं कि बस कर दिए छोड़ दिए free में करती हैं, ना ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए समझा रहे हैं, कोई person है इस person को किसी दूसरे ने, इस पर्सन को किसी दूसरे ने कुछ किया इस पर्सन के लिए, डज एनीथिंग
कुछ भी करता है या इस पर्सन को कुछ दिया जाता है, दूसरे पर्सन, दूसरा पर्सन इस पर्सन को देता है, डिलीवर्स एनीथिंग, एनीथिंग कहिए या समथिंग कहिए, बात बराबर है। और जो दिया है वो क्या कैसा है, नॉन ग्रैटिट्यूस है, नॉन ग्रैटिट्यूस एक्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो ऐसे नहीं दिया कि कर दिया, दे दिया और छोड़ दिया, मतलब दिया है तो बदले में भी कुछ वो चाहता है, उसी को नॉन ग्रैटिट्यूस एक्ट कहा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी किया गया तो ये जो पर्सन है ये इसको कंपेंसेट करेगा, अदर पर्सन को जिसने इस पर्सन को दिया है उसको कंपेंसेट करेगा या वो सामान वापस करेगा। इलस्ट्रेशन एक लेते हैं, एक नहीं दो इलस्ट्रेशन लेंगे। पहला, ए जो कि एक ट्रेड्समैन है, व्यापारी है, ए जो रहता है बी के घर पे अपना कुछ सामान रहता है वो गलती से छोड़ देता है, गलती से भूल के छोड़ देता है, बहुत डर होता है ना सामान गलती से छूट गया, कोई फेरी वाला आया सामान गलती से छोड़ दिया बी के घर पे, और बी जो रहता है उस सामान का यूज़ करता है अपना समझ लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में बी ए को कंपेंसेट करेगा, कहने का मतलब है जो गुड्स का जो दाम है वो पे करेगा, क्योंकि छोड़ा है तो ऐसे नहीं ना छोड़ दिया कि अरे जाओ यार छोड़ो, ये तो नॉन ग्रैटिट्यूस एक्ट हुआ। दूसरा इलस्ट्रेशन, ए है बी है, दो पर्सन है, ए का एक घर रहता है जिसमें आग लग जाता है, बी है, बी पड़ोसी है ए का, ये उसका जो ए का जो प्रॉपर्टी है उसको सेव करता है, सेव्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, जो भी हो सके वो बचाने की कोशिश करता है बी। तो ऐसे सिचुएशन में ए बी को कंपेंसेट करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा फैक्ट पर, केस के फैक्ट पर, जो सिचुएशन रहेगा उस पर करेगा। अगर जैसे कोई नेबर है या दोस्त लोग हैं कुछ भी बचा लेता है तो ऐसा लगता है कि वो बिना पैसे के किया है, पैसे लेने के लिए कोई थोड़े किया है, लेकिन ऐसा है अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि बी का ये काम ही है फायर डिपार्टमेंट में है और उसका ये काम ही है कि जिसका भी घर में आग लगेगा या जो कुछ भी होगा तो बी का काम ही है बचाना, ऐसे सिचुएशन में ए पे करेगा, अदरवाइज ए पे नहीं करेगा, मतलब वो सिचुएशन टू सिचुएशन, केस टू केस डिफर करेगा कि ए बी को कंपनसेशन देगा या नहीं देगा, ठीक है। ये सेक्शन 70 कहता है, आइए सेक्शन 71 देखते हैं। सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स का कहने का मतलब है कि कहीं पे भी कुछ सामान किसी और का हमें मिल जाता है, रोड चलते हैं किसी का पर्स मिल जाता है या किसी का सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रेन में हम लोग जाते हैं कोई कोई होता है कि कोई पैसेंजर है उतर गया गलती से अपना सामान छोड़ दिया तो हमें सामान मिल जाता है, तो वो होगा फाइंडर ऑफ गुड्स। तो ऐसे सिचुएशन में जो फाइंड किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसने फाइंड किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होगी जो एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होता है जो एक बेली का होता है, यह सेक्शन 71 का आता है। आइए सेक्शन 72 देखते हैं। सेक्शन 72, लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन। देखिए सेक्शन 72 ऐसे सिचुएशन की बात करता है जहाँ पर किसी पर्सन को, ये एक पर्सन है, इस पर्सन को या तो पैसे दे दिया गया है, मनी दिया गया है, या कोई थिंग डिलीवर किया गया है, कैसे डिलीवर किया गया है, मिस्टेक से, गलती से, मिस्टेक से या कोर्जन के द्वारा, किसी पर्सन को कोई पैसा दिया गया है या कोई थिंग डिलीवर किया गया है बाय मिस्टेक या कोर्जन के द्वारा, तो ऐसे सिचुएशन में जिस पर्सन, जो पर्सन रिसीव किया है उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है कि अदर पर्सन को वो वापस करें, रीडिलीवर करें, ठीक है। इलस्ट्रेशन आपको लेके एक बताते हैं।
ए है एक पर्सन, बी है दूसरा पर्सन। ए और बी दोनों मिलकर साथ में जो सी है, सी से कर्ज लिया है 100 रुपये, सी से पैसे लिया है 100 रुपये, दोनों साथ में मिलकर दिया लिया है, सी से पैसे लिया है, सी को अब वापस करना है। ए बी मिलके सी को वापस करेगा। ए क्या करता है, सी को 100 रुपया पूरा खुद दे देता है, अकेले देता है। बी को ये बात पता नहीं रहता है। कुछ दिनों बाद बी भी सी को 100 रुपये वापस कर देता है। तो सी के पास कितने हो गए, 200 रुपये हो गए, लेकिन चाहिए केवल 100 ही रुपया। यहाँ पे 100 रुपया बाय मिस्टेक इसको मिला, तो सी का ये लाइबिलिटी है कि बी को 100 रुपया जो एक्सेस है ये बी को वापस कर दे। ये सेक्शन 72 है। आई होप आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर 5 समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था चैप्टर 5 ऑफ सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सेक्शन 68 से लेकर 72 तक था। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।